नमस्कार बच्चों, देखो ये मेरे हाथ में क्या है, एक 100 गोल पट्टी है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था ना, आपको ध्यान होगा। इस ये 1 मीटर की होती है बच्चों। कितने की होती है? 1 मीटर की। इसमें छोटे छोटे जो खन्ने बने हुए हैं, देखो एक गोला बना हुआ है, ये छोटी सी जो दूरी है ना 1 सेंटीमीटर है। कितने बच्चों? ये 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बहुत छोटी इकाई होती है हमारी। अगर हमने इस पेन को मापना हो, पेन की लंबाई को मापना है, किसमें मापेंगे हम? सेंटीमीटर में, मीटर में। मैंने आपको बताया, देखो ये फुटा हमारा कितना है, ये 30 सेंटीमीटर का है। कितना है हमारा? 30 सेंटीमीटर। और इसमें ये मीटर में ये इस प्रकार से 3 बनेंगे, 1 30 90 और 10 फ्री बचेगा, 2 और ये 3 आगे थोड़ा बचेगा 10। तो ये हमारा आपके पास मैंने बताया था आपको मीटर सेंटीमीटर का तरीका। अच्छा ये बताओ, अगर आपने आपके घर के दरवाजे की लंबाई मापनी हो तो किसमें मापेंगे आप? मीटर में, मीटर में या सेंटीमीटर में? क्योंकि 100 सेंटीमीटर से बराबर है 1 मीटर बनता है, ये तो आप जान ही चुके हैं अब तक। अच्छा बच्चों देखो, आपको गांव से शहर में जाना है, 1 मीटर तो इतना होता है। अब इतनी 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 दूरी हम गांव से शहर की कैसे मापेंगे? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 5 मीटर, इस प्रकार गिनते जाओ। जब आपके पास आएंगे 1000 मीटर, कितने मीटर? 1000 मीटर। तब उस दूरी को हम कहेंगे 1 किलोमीटर। किलोमीटर तो जानते ही हैं आप, कहते होंगे भाई आपका गांव से शहर 15 किलोमीटर दूर है। यानी कि हम जो ज़्यादा दूरी होती है ना, जैसे गांव से शहर की, या कैथल से दिल्ली की दूरी, गुड़गांव से दिल्ली की दूरी, चंडीगढ़ से दिल्ली की दूरी, रोहतक से दिल्ली की दूरी, लंबी लंबी दूरियों को मापने के लिए हम किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब आपके पास 3 आ गए, 1 सेंटीमीटर छोटी इकाई सबसे, नंबर 2 पे मीटर, और नंबर 3 पे क्या आ गया बच्चों? किलोमीटर। सेंटीमीटर सबसे छोटी इकाई होती है। हमारे फुटे में सेंटीमीटर है, हमारे फुटे में क्या, कितने सेंटीमीटर? इसमें 30 सेंटीमीटर। तो हम छोटी छोटी से किताब की लंबाई मापनी है, ये देखो किताब की लंबाई मापनी है, ये कितने? 30 सेंटीमीटर से कम है ना, तो 1 मीटर से भी कम होगी, क्योंकि 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर। और अभी मैंने आपको बताया कि 1000 मीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनाएंगे। तो बताओ आप कैसे मापेंगे? आपके गांव से शहर की दूरी किलोमीटर में, गणित की पुस्तक, गणित का जादू पुस्तक की किनारा, मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर? बहुत छोटा है बच्चों, सेंटीमीटर। और आपके घर के दरवाजे की लंबाई, मीटर तो इतना होता है, वो मीटर से ज़्यादा है ना, तो उसको मीटर में माप लेंगे। जो हमारी बड़ी इकाई होती है उसको मीटर में माप लेंगे, और जो छोटी इकाई होती है उसको सेंटीमीटर में। अच्छा छिपकली की लंबाई किसमें मापी थी हमने? देखो बताया था मैंने पीछे, सेंटीमीटर में मापी है ना। कितनी लंबी है ये माची की तिल्ली? 4 सेंटीमीटर है। ये हम कर चुके हैं। और देखो बच्चों, नाक की लंबाई किसमें मापेंगे? सेंटीमीटर में मापेंगे, है ना, क्लियर है ना सब चीज़ें। अब मीटर का निशान आप अपने घर पर लगाओ। अच्छा अंदाज़ा लगाना है आपने, आप अनुमान लगाओ कि आपके मेज़ की लंबाई 1 मीटर से ज़्यादा है कम। सोचो ऐसे करके देख लेना आप, ये मीटर का मीटर स्केल मैंने बनाया हुआ है, आप पीछे से भी कर सकते हैं, या अपने इस फुटे से 30-30 करके कर सकते हैं, एक रस्सी तैयार कर सकते हैं। 30 सेंटीमीटर का फुटा है ना आपका, ये छोटा 15 होता है, आप उसको 6 बार करके फिर 10 सेंटीमीटर करके एक रस्सी तैयार कर सकते हैं, और उससे आप अपनी लंबाइयाँ माप सकते हैं। गतिविधि 2 करनी है आपने।